प्रश्न संख्या एक। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस जिले में कम वर्षा होती है? ए कानपुर, बी इलाहाबाद, सी मथुरा, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब ऑप्शन सी मथुरा। प्रश्न संख्या दो। उत्तर प्रदेश में उर्दू को द्वितीय राजभाषा कब घोषित किया गया? ए 1989 में, बी 1999 में, सी 1944 में, डी 1924 में। सही जवाब ऑप्शन ए 1989 में। प्रश्न संख्या तीन। उत्तर प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी है? ए दो, बी एक, सी तीन, डी पांच। सही जवाब ऑप्शन सी तीन। प्रश्न संख्या चार। इनमें से किस स्थान पर चंद्रशेखर आजादी विश्वविद्यालय स्थित है? ए अलीगढ़, बी कानपुर, सी सीतापुर, डी लोहर। सही जवाब ऑप्शन बी कानपुर। प्रश्न संख्या पांच। उत्तर प्रदेश में अनौपचारिक शिक्षा योजना कब आरंभ हुई? ए 1975 में, बी 1999 में, सी 1912 में, डी 1935 में। सही जवाब ऑप्शन ए 1975 में। प्रश्न संख्या छः। हाल ही में उत्तर प्रदेश पुलिस के महानिदेशक के रूप में किसे चुना गया है? ए मोहम्मद समीर, बी जगमोहन यादव, सी अभिषेक चौधरी, डी मुशर्रफ चौधरी। सही जवाब ऑप्शन बी जगमोहन यादव। प्रश्न संख्या सात। उत्तर प्रदेश में थारू जनजाति मुख्य रूप से किस क्षेत्र में निवास करती हैं? ए नजीबाबाद क्षेत्र में, बी तराई क्षेत्र में, सी 18,000 क्षेत्र में, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब ऑप्शन बी तराई क्षेत्र में। प्रश्न संख्या आठ। थारू जनजाति के बारे में सही कथन कौन सा है? ए उल्टहवा थारू थारू जनजाति की एक उपजाति है, बी इनका मुख्य भोजन चावल है, सी इनमें संयुक्त परिवार प्रथा का प्रचलन है, डी उपरोक्त सभी। सही जवाब ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। प्रश्न संख्या नौ। उत्तर प्रदेश राज्य में थारू जनजाति द्वारा लठभ्र व भोज कब दिया जाता है? ए त्योहारों के अवसर पर, बी मृत्यु होने पर, सी विधवा विवाह के अवसर पर, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब ऑप्शन सी विधवा विवाह के अवसर पर। प्रश्न संख्या 10। राज्य के किस जिले में थारू जनजाति के लड़के लड़कियों को शिक्षा प्रदान करने के लिए महाविद्यालय खोला है? ए लखीमपुर, बी इलाहाबाद, सी सहारनपुर, डी बीजनौर। सही जवाब ऑप्शन ए लखीमपुर। प्रश्न संख्या 11। राज्य की थारू जनजाति द्वारा चावल से बनाई गई मदिरा को कहा जाता है? ए माड़, बी जाड़, सी कड़ा, डी पाड़। सही जवाब ऑप्शन बी जाड़। प्रश्न संख्या 12। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनजाति कौन सी निवास करती हैं? ए खरवार, बी बुक्सा, सी थारू, डी माहीगीर। सही जवाब ऑप्शन सी थारू। प्रश्न संख्या 13। राज्य में कर्मा नृत्य किस जनजाति द्वारा किया जाता है? ए बुक्सा, बी माहीगीर, सी थारू, डी खरवार। सही जवाब ऑप्शन डी खरवार। प्रश्न संख्या 14। निम्न में से किस जनजाति की राज्य में सबसे कम जनसंख्या है? ए सहरिया, बी बनरावत, सी पहरिया, डी बैगा। सही जवाब ऑप्शन बी बनरावत। प्रश्न संख्या 15। उत्तर प्रदेश के किस जिले में बैगा जनजाति निवास करती हैं? ए इलाहाबाद, बी ललितपुर, सी सोनभद्र, डी मिर्जापुर। सही जवाब ऑप्शन सी सोनभद्र। प्रश्न संख्या 16। राज्य की कौन सी जनजाति इस्लाम धर्म को मानती हैं? ए खरवार,
बी महीजीर, सी थारू, डी बुक्सा। सही जवाब ऑप्शन बी माहीगीर। प्रश्न संख्या 17। राज्य की वह जनजाति जो दीपावली त्योहार को शौक के रूप में मनाते हैं। ए प्रहरिया, बी थारू, सी बैगा, डी सहरिया। सही जवाब ऑप्शन बी थारू। प्रश्न संख्या 18। उत्तर प्रदेश की किस जनजाति का वर्ण विभाजन हिंदुओं जैसा है। ए बुक्सा, बी माहीगीर, सी थारू, डी खरवार। सही जवाब ऑप्शन ए बुक्सा। प्रश्न संख्या 19। राज्य के किस जिले में सहरिया जनजाति निवास करती हैं। ए मिर्जापुर, बी मथुरा, सी आजमगढ़, डी ललितपुर। सही जवाब ऑप्शन डी ललितपुर। प्रश्न संख्या 20। राज्य की किस जनजाति का निवास स्थान बिजनौर जिला है। ए थारू, बी बैगा, सी खरवार, डी माहीगीर। सही जवाब ऑप्शन डी माहीगीर। धन्यवाद। हमारे वीडियो को एक लाइक जरूर देना और सामान्य ज्ञान जीके के लिए हमारे चैनल की सब्सक्राइब करें।